So hello, I am Dr. Peush Bajpai. I'm a medical hemato-oncologist at Manipal Hospital, Dwarka, New Delhi. Today we'll be talking about multiple myeloma. So multiple myeloma is basically a hematological malignancy of plasma cell, which are found basically in the blood and are produced in the bones, bone marrow to be specific. So plasma cell ek prakar ka safed ब्लड सेल है WBC है जो कि हमारा एंटीबॉडी प्रोडक्शन में काम करता है और ये कभी कभी अगर अराजक तत्व इसमें आ जाए और ये कैंसरस बन जाता है तो इसको मल्टीपल माइलोमा का नाम दिया गया है. सो मल्टीपल माइलोमा में बेसिकली क्रैब सिम्टम्स जो हम बोलते हैं ये सिम्टम्स प्रीडोमिनेट करते हैं कभी कभी. और क्रैप सिम्टम्स अगर बोलें तो हाइपर कैल्सीमिया यानी कि कैल्शियम लेवल्स का बढ़ना, रीनल डिसफंक्शन, किडनी की फंक्शन में कुछ गड़बड़ी होना, बोनी सिम्टम्स यानी कि पीठ दर्द या फिर लोअर बैक पेन या फिर एनी बोनी पेन, दैट कुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माइलोमा. अगेन अनीमिया इज वन थिंग विच इन द क्रैप क्राइटेरिया विच शुड बी ऑब्जर्व कि अगर कोई अनीमिया हो रहा है और किसी आयरन डिफिशेंसी से या आयरन सप्लीमेंटेशन से वो करेक्शन नहीं हो रहा है उस अनीमिया का तो शायद मल्टीपल माइलोमा हो सकता है. द एज ग्रुप इज यूजुअली अबव द एज ऑफ 40 ईयर्स दैट मल्टीपल माइलोमा इज फाउंड. मल्टीपल माइलोमा का ट्रीटमेंट अगर हम बात करें तो अक्सर इसमें जो है अब कीमोथेरेपी का इस्तेमाल कम होता जा रहा है और इसमें टारगेटेड थेरेपी और मॉड्यूलेशन थेरेपी का इस्तेमाल, प्लाज्मा मॉड्यूलेशन थेरेपी का इस्तेमाल ज़्यादा है. सो इसमें लगभग 4 से 6 महीने का इंडक्शन थेरेपी और उसके उपरांत ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट का रोल है. ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट अगर हम बात करते हैं तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट 2 प्रकार के हैं, एक ऑटोलोगस और एलोजेनिक. ऑटोलोगस में पेशेंट का के खुद के स्टेम सेल्स या प्रोजेनेटर सेल्स लिए जाते हैं और वो लेके हम स्टोर करते हैं और उसके बाद हाई डोज कीमोथेरेपी देते हैं माइलोमा सेल्स को ख़त्म करने के लिए और उसके बाद पेशेंट का अपना ही ब्लड वापस ट्रांसफ्यूज करा जाता है. ये एक काफ़ी एसेप्टिक प्रिकॉशंस में होता है, एक स्पेसिफिक रूम में होता है जिसको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट रूम बोलते हैं और इसके लिए स्पेशलाइज नर्सेज होती हैं जो कि केयर करती हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टे. इसके बाद पेशेंट्स अक्सर एक अच्छा जीवन काल और अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं. थैंक यू.